नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। और इस वक्त देश के लिए सबसे बुरी खबर यह कि देश की अर्थव्यवस्था देश के इतिहास में अब सबसे ज्यादा गिरावट के दौर में पहुंच गई है। अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर के बीच के GDP के रिजल्ट आ चुके हैं और जो नतीजे हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक है। 23.9% नेगेटिव ग्रोथ है, जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, जिसके बारे में एक जमाने में कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई है, जिसके बारे में ये कहा जाता था 2020 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो गति है वो चीन से आगे निकल जाएगी, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत शिथिलता आ गई थी। लेकिन पिछले 2019 के बाद से जिस तरीके से आर्थिक अवस्था को संभालने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई, उसका नतीजा कोरोना के पहले से दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। लिहाजा 23.9% पर कुछ लोगों को हैरानी नहीं है, लेकिन इसके मतलब क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है, भारत की बेरोजगारी के लिए क्या मतलब है, भारत के आम आदमियों के लिए क्या मतलब है, इसका इस तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देश के सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक पत्रकारों में से एक और CNBC आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी से। आलोक जी, ये जो डेटा आया है 23.9% देश के लिए कितना अशुभ समाचार है ये बहुत अशुभ समाचार है आशुतोष। और ये अशुभ क्या कहें, अब ये इतिहास में पहली बार है, ये इतिहास का सबसे खतरनाक आंकड़ा है। आप अगर अर्थव्यवस्था की नजर से देखेंगे तो ऐसा बुरा हाल तो न भूतों न भविष्यति वाली स्थिति है, इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पहली बार 1990 के में जब ये आंकड़े शुरू हुए हैं, जब से GDP का ऐलान करना शुरू किया गया है, तब से पहली बार इतना गंभीर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं, इसको अगर सामान्य हिंदी में कहें तो सिकुड़ना, इकोनॉमी इतनी सिकुड़ गई है, आप समझिए लगभग कि 1 रुपए में से 54 निकल गई है। आपके पास अगर 1 रुपया था तो अब आपके 75 पैसा बचा है। ये हाल है इस देश का आज की तारीख में, और ये पहले 3 महीनों का हाल है, अप्रैल मई जून के दौरान इकोनॉमी की ग्रोथ का ये हाल हुआ है जी। ग्रोथ होने के बजाय 25% की गिरावट आ गई है पूरी इकोनॉमी में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में। तो ये पहली बार है कि ये सिकुड़न हुई है और इतनी खतरनाक सिकुड़न हुई है। आलोक जी, आपसे अगला सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों से एक छोटी सी अपील कर ले। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़िए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां जाकर आप हमारा हमें अगर आप आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक तौर पर मदद करेंगे, तो सत्यहिंदी.com को पत्रकारिता करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी, साथ ही देश की पत्रकारिता में एक बड़ा मकाम होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा इस बात के लिए और हम आपके इस योगदान का इंतजार करेंगे। आलोक जी, ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें सरकार का क्या योगदान है, ये तो कोरोना है, लॉकडाउन है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है, तो मोदी सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए? सरकार का क्या योगदान है, इसका जवाब देखिए मुझसे लेने से अच्छा है इसका जवाब आप सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका देख लें। जब वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, और ये आज की तारीख में थोड़ा विचित्र था उनका कहना कि एक्ट ऑफ गॉड है कोरोना। एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, पूरी दुनिया में है, लेकिन सरकार को इसके लिए दोष भी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन सरकार को किस बात के लिए दोष दिया जा सकता है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या किया। सरकार ने इससे जो आर्थिक संकट पैदा होने जा रहा था उससे इस देश की आम जनता को बचाने के लिए क्या किया, और क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है जिसकी वजह से इकोनॉमी इस हालत में आ गई है? तो आप इससे पहले के आंकड़े देखें तो GDP लगातार गिर रही थी, ऐसा नहीं है कि वो कोरोना के बाद गिर गई है, उससे पहले वो इस दशा में पहुंच चुकी थी जहां उसके पास बहुत कम स्कोप था। जो बजट जिस वक्त आया है इस साल का, जो कि अब निरर्थक है, उस बजट का एक भी आंकड़ा अब काम का नहीं रह गया है। कुछ समय पहले जो भारत के बहुत मशहूर पत्रकार हैं AK भट्टाचार्य, बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक, उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था पूरा बजट आपको रिविजिट करना पड़ेगा, एक एक आंकड़ा दोबारा देखना पड़ेगा। वो बजट तो इस तरह से चला गया, लेकिन उस बजट में कितना दबाव था ये देखिए। इकोनॉमी अब पहले से पटरी से उतर चुकी थी, कोरोना ने उसे और बुरी हालत में डाल दिया है, सही है, लेकिन अब आप निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। आज की तारीख में भी जो आंकड़ा है आशुतोष जी, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत गंभीर बात है। अभी तक उम्मीद क्या थी
कि सरकार का जो खर्चा है जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.7% की ग्रोथ रेट पर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेंडिंग कहलाती है वो, माना जा रहा था, सभी विद्वानों का कहना था कि ये आंकड़ा 5 से 15% के बीच में बढ़त दिखा सकता है, जिसकी वजह से जो आपको ये जो ग्रोथ में झटका लगने वाला है ये कम लगेगा। लेकिन वो आंकड़ा जो सामने आया है वो आप देखेंगे तो आपको और चिंता होगी। सरकार का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ा है, लेकिन ये आंकड़ा सुधरा हुआ दिख रहा है आपको। जीडीपी का जो -23.9% इतिहास का सबसे खतरनाक जीडीपी में गिरावट का आंकड़ा, ये भी क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन में 54.3% की ग्रोथ है, 54% की ग्रोथ हुई है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होता है, यानी हमारे आपके जैसे लोग जो सामान फाइनली खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, उसमें 54% की ग्रोथ है। उस बुरे हाल में जिस वक्त हमको दिख रहा है अपने आसपास कि आदमी खर्चा नहीं करना चाह रहा है, आदमी के अंदर घबराहट है, वो तरह तरह की चीजें नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो प्राइवेट कंजम्पशन का। सरकार के कंजम्पशन में जहां बढ़त होनी थी, कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार का ये आंकड़ा एक। बट आलोक जी, जो दूसरे आंकड़े हैं जरा वो हमारे दर्शकों को बताएं, वो कितने भयावह है कि अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि वो 7.7% ग्रोथ प्लस में था, -10% है, -10% सरकार का खर्चा हुआ है इस क्वार्टर के दौरान, 10% की गिरावट है। और जो सबसे खतरनाक आंकड़े हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सबसे बुरा कंस्ट्रक्शन अभी तक बंद था, अब कुछ जाके शुरू हुआ है, 50% की गिरावट है कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग में यानी जो फैक्ट्री में कारोबार होता है, उत्पादन होता है, वहां लगभग 40% 39.3% की गिरावट आई है, जो 3% का ग्रोथ था। और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अंदाजा था अर्थशास्त्रियों में, वो जो उम्मीद वाले अर्थशास्त्री थे वो 20% की गिरावट देख रहे थे, जो बहुत ज्यादा चिंता में थे वो 40-42% की गिरावट की कल्पना कर रहे थे, लेकिन 39% है, यानी वो सबसे खतरनाक तरफ जो लोग देख रहे थे उन्हीं की बात सच साबित हो रही है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे इस सेक्टर में जो गिरावट है, 3.5% की ग्रोथ थी और इसमें उम्मीद थी, इसमें जो आशंका थी ये बड़ी थी, इसमें आशंका थी 50% से लेके 21% तक की गिरावट ही होने जा रही है, इसमें बढ़ने की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये भी वही -47% ये आंकड़ा है, 47% की गिरावट इसमें दिखाई पड़ रही है। एक चीज जो एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, वहां पिछले साल 3% था, इस साल सारी उम्मीद उस पर टिकी हुई थी कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो जाएगी, सब तरफ तो गिरावट है तो एग्रीकल्चर हमें सुधार लेगा, एग्रीकल्चर में भी उम्मीद अलग अलग थी, आंकड़े थे, तो जो अर्थशास्त्री 2% से 7% तक के अनुमान लगा रहे थे, लेकिन यहाँ जो फाइनल नंबर आया है वो 3.4% एग्रीकल्चर में पॉजिटिव नंबर आया है। वजह आप समझते हैं, एक तो खेती का समय था, इस समय फसल का टाइम था, दूसरा जितने लोग शहरों से गए हैं वो गांव में खेती में काम कर रहे हैं, तो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह से हो रही है, लेकिन ये कुल मिला के तस्वीर है सामने। बट आलोक जी, आप मुझे जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को, कि मेरे जैसा आम दर्शक है, जो नागरिक है, जिसको जब ये हम बताएं कि 23.9% की गिरावट आई है, तो उसके लिए क्या संदेश है, उसको कितनी बड़ी विपत्ति उसके सिर पर आने वाली है, कितना बड़ा संकट उसके लिए है? ये उसके लिए गंभीर संकट ये है, सबसे बड़ा संकट जो सबसे पहले अपने को सोचना चाहिए कि अगर, और ये इसका आसान उदाहरण है, आप एक बिजनेस करते हैं और आप वहां 1,00,000 रुपए का कारोबार करते हैं और वो कारोबार गिर के अचानक 70,000 हो जाए या 75,000 हो जाए, मान लीजिए 80,000 ही मान लीजिए, आप इसको 23 को 20 मान लीजिए, तब भी अगर 20% की गिरावट आपके कारोबार में आ गई तो आप क्या करेंगे? अब आप इस गिरावट को कैसे, इस गिरावट का एक मतलब है कि आपके मुनाफे में कमी आएगी, ये टर्नओवर की गिरावट है, मुनाफे में कमी आएगी, मुनाफे में कमी को अरेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो आप तेजी से अपना कारोबार बढ़ाएं और वापस उस जगह पहुंचा लें, ये आपके हाथ में है, अगर अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आपके ग्राहक पर भी असर पड़ा होगा, आप पर भी असर पड़ा है, तो अब आप क्या रास्ता अपनाएंगे? सीधा रास्ता जो अपनाता है आदमी, अपने खर्चे कम करेगा,
खर्चे कम करने में व्यापारी का खर्चा जो कम करने वाला खर्चा होता है वो क्या होता है कि वो सामान कम खरीदेगा तो उसका सामान कम बिकेगा। उसके लिए सबसे आसान होता है वो देखेगा कि मेरे पास कितने लोग काम करते हैं, इनमें से कितनों को मैं हटा सकता हूँ, कितने कम लोगों से गुजारा हो सकता है, या मैं इनकी तनख्वाह कम करूंगा क्या। तो ये इसी को अब आप बड़े पैमाने पर देख लीजिए। तो देश में बड़े पैमाने पर जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं उन पर दबाव आना है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा कि आपके या तो नई नौकरियां नहीं मिलेंगी लोगों को, जिनके पास नौकरियां उनकी नौकरियां या तो जाएंगी, जा रही हैं, हम देख रहे हैं जुलाई के महीने में 50 लाख सैलरीड लोग बेरोजगार हो गए हैं, 1 करोड़ 90 लाख लोग पिछले क्वार्टर में बेरोजगार हो चुके थे। ये CMI का आंकड़ा हम लोग पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं। अभी ये स्थिति और बरकरार रही, बनी रही, तो और ज्यादा रोजगार जाने का डर है। जिनका रोजगार बचा रहेगा उनकी तनख्वाह कट होने का डर है, और अगर ये स्थिति रहती है जाहिर है फिर ऐसे लोग खर्चा नहीं करेंगे, उनके पास पैसा होगा नहीं, वो किसी से मांगेंगे, तो वो सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो लोगों की भलाई के लिए खर्चा करे, इंडस्ट्रीज का कारोबार कम होगा, और ऐसी स्थिति में जब ग्रोथ नहीं होती, आप समझिए एक और चीज, जो विदेशी निवेशक देश में पैसा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, वो ग्रोथ देख के लगाते हैं, उनको लगता है इस देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है तो यहाँ पैसा लगाया जाए, हम भी इसमें कुछ हिस्सा ले लें। लेकिन अगर GDP नीचे गिरने लगती है या GDP में कॉन्ट्रेक्शन तेज होता है तो विदेश से निवेश भी नहीं आता है। ऐसी सूरत में भारत का उद्योगपति भी कहाँ क्यों निवेश करेगा, तो वो बैंक से कर्जा नहीं उठाएगा, बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इससे बैंक का पैसा कहाँ जाएगा, तो बैंक के पास पैसा लगाने को कहीं नहीं होगा, तो बैंक आपको ब्याज कहाँ से देगा, तो बैंक आपके डिपॉजिट पे ब्याज ऑलरेडी कितना कम कर चुका है वो और कम होने की तरफ बढ़ेगा। ये सारे संकट हैं जो आपको अपने ऊपर दिखने चाहिए, इसलिए हमें GDP की फिक्र करनी चाहिए, और GDP कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसलिए ये और ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। ये हालात की तस्वीर है, उसको नटशेल में पेश कर रहा है, ये देश का हाल है, ये समझ लीजिए। वो ये अंदाजा नहीं बता रहा है कि अगले 6 महीने में देश का ये हाल होगा, पिछले 3 महीने में देश का ये हाल हुआ है, इसका बही खाता आपके सामने रख रहा है। मतलब आलोक जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है, जो मैं बिल्कुल बिल्कुल आम भाषा में आपको बता दूं कि हमारे आप जैसे सैकड़ों हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, उनकी नौकरियां जा सकती हैं, जो उनकी तनख्वाहें मिल रही उस तनख्वाहों में भारी स्तर पर कटौती हो सकती है, और ये संकट जो है वो फौरन दूर होने वाला नहीं है। ये भी एक एक बड़ा 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 प्रश्न है, क्योंकि एक पूरे क्वार्टर में इतना जब गिरावट आती है तो उसका आने वाले समय में आप देख रहे हैं प्रतिदिन 80,000 के आसपास से 75,000 के आसपास कोरोना के केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब लॉकडाउन को आप कितना भी हटा दें, अनलॉक कितना भी कर लें, लेकिन लोग रोजगार के दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से या उद्योग धंधों की दृष्टि से उतनी गति नहीं आ सकती कि देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। तो महत्वपूर्ण बात यह आम आदमी के लिए कि बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ेगी आने वाले दिनों में, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनके पैसे कम होंगे यानी आमदनी कम होगी। लोग ये कहते थे कि 2005 से लेकर 2015 के बीच में करीब 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे यानी उनकी आमदनी टूटी, अब ये संख्या नीचे आ सकती है करीब उतने ज्यादा लोगों की संख्या। आलोक जी, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्यों ये कहा जाता है कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? उन्होंने 21 लाख करोड़ रुपए एक तरीके से दावा किया कि उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए दिए, इकोनॉमी में झोंका, क्यों पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया? वो देखिए, जो 21 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं वो एक तो पहले वो आंकड़ा बहुत उस पर विवाद है कि वो पैसा कहाँ दिया गया है, उसको जो हिसाब जितना जोड़ने वाले लोग हैं उनका कहना है कि कुछ ज्यादा से ज्यादा भी हिसाब लगाइए तो वो 2 लाख करोड़ के ऊपर वो आंकड़ा नहीं आता है। बाकी सब तो आपको बताया गया है कि ऐसा दिया गया है, और कुछ बहुत जानकार लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने मुझे ये बात कही कि सरकार को सबसे पहले जो निर्देश थे वो यही थे, जितने लोग इस काम में लगे थे एक्सरसाइज में उनको, कि ऐसा कुछ काम मत कर देना जिससे खर्चा बढ़ जाए। और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, दरअसल सरकार के पास पैसा था नहीं, ना आज है ना उस वक्त था। सरकार अपने बहुत सारे जो पैसा रेज करने के, पैसा लाने के रास्ते थे वो बंद कर चुकी है या नए रास्ते खोल नहीं पा रही है। आप GST काउंसिल का हाल देख रहे हैं कि राज्यों को GST में उनका जो हिस्सा दिया जाना है वो सरकार नहीं दे पाई है। हर 2 महीने में एक बार दिया जाना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च के बाद से एक किस्त भी नहीं दी गई है।
और राज्य सरकारें उस पर बवाल कर रही हैं कि आप हमारा आलोक जी माफ करेंगे, मैं आपको बीच में रोका, मेरा जब आपने जीएसटी का सवाल किया है तो क्या जो सेंट्रल जो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें मिलने में भी दिक्कत हो सकती है? हो सकती है, कुछ राज्यों की तरफ से तो ये साफ साफ चेतावनी जैसी आई है कि हम अब तनख्वाह देने की हालत में नहीं रह जाएंगे और हमारे पास खर्चा चलाने को पैसे नहीं है। और उसके लिए जो रास्ता उनको सुझाया जा रहा है कि भाई आप बॉन्ड इशू करिए और बाजार से पैसा उठाइए, वो भी बहुत ज्यादा फिजिबल इसलिए नहीं है कि वो राज्य सरकारों की तरफ से, और राज्य सरकार इधर उधर की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता बिहार के जो वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने सवाल उठाया है कि मैं किस भरोसे कर्जा ले लूं। जैसे आशुतोष जी, मुझे मान लीजिए आज मैं सोचूं कि मैं घर खरीदूं और ईएमआई पर घर खरीद लूं, अगर मुझे पता है आज मैं नौकरी नहीं करता हूं और मेरी कोई रेगुलर कमाई का व्यवस्था नहीं है, अगर मुझे पता हो कि हर महीने मुझे कहीं से 5 लाख रुपए आना है, तो मैं किस्त देने के लिए पक्का गारंटी दूंगा, वो कागज दिखाऊंगा, बैंक मुझे लोन दे देगा। राज्य सरकार कहे कि जीएसटी की कमाई से हम आपका बॉन्ड का पैसा चुका देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए, वो देने वाला कहेगा भाई 6 महीने से तुम्हारे पास पैसा आया नहीं है, आगे तुम्हारे पास आएगा इसकी क्या गारंटी है, किस भरोसे ये कर्जा आप ले रहे हैं, ये सवाल राज्य सरकार उठा चुकी है। अब जो एक तरीका आपको याद होगा, हमने साथ में बात की थी पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी से, उन्होंने कहा था ऐसी परिस्थिति में हिम्मत दिखानी पड़ती है, और हिम्मत दिखाने का अर्थ है इस वक्त कि नोट छापिए, पैसा बांटिए, खर्चा करिए कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है ये ऐसा सुनने को आ रहा है, लेकिन आलोक जी काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे जिनसे इकोनॉमी में रफ्तार आए, तेजी से डिमांड पैदा हो। बिल्कुल, मेरा सवाल ये पिछले काफी समय से नहीं दिख रही है, क्या राज्य सरकारें दिवालिया भी हो सकती है? देखिए थ्योरेटिकली हो सकती हैं, लेकिन मुझे सरकार का दिवालिया होना बहुत बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। बहुत दूर की कौड़ी। चलिए अब इस डिबेट को पीछे लेके चलते हैं। आपने कहा कि कोरोना आने के पहले से ही अर्थव्यवस्था की हालत बहुत कमजोर थी, चाहे सारे सेक्टर्स को आपने, चाहे कोर सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन्वेस्टमेंट सब डाउन चल रहा था, ये मार्च के आखिरी हफ्ते तक की बात थी। इसका कारण क्या था? मोदी सरकार जब आई, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब लोगों ने कहा वो देश की अर्थव्यवस्था को सुपर पावर के तौर पर बना देंगे, क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्यों हैंडल नहीं कर पाए, क्या दिक्कत थी? क्यों हैंडल नहीं कर पाए, अगर इसका एक सीधा आपको जवाब चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां या तो कोई केपेबल आदमी नहीं है जो समझ रहा है कि क्या करना है, और या उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी इसमें कि अर्थव्यवस्था को सुधारना है और पटरी पर लाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप करना चाहें तो आपको इस देश में केपेबल लोग मिलते नहीं है, लेकिन कोई चीज तो है कि तमाम काबिल लोग इनके साथ थे, इनके साथ काम कर रहे थे, और अचानक वो इनके पास से निकल के छटक के चले जाते हैं। पुराने लोग थे, डॉक्टर रघुराम राजन थे, वो चले गए, चलिए समझ में आया कि पिछली सरकार ने बनाया था, वो चले गए। जो उसके बाद गवर्नर बने आपके बनाए हुए थे, वो चले गए। अरविंद पानगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, वो चले गए। अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वो चले गए। एक के बाद एक विद्वान क्यों छोड़कर भाग रहे हैं, ये सोचने की चीज है। कोई तो चीज होगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ से भगा रही है। क्यों आप और हम अगर साथ काम करते हैं आशुतोष, तो मैं किस दिन आपको छोड़कर भागूंगा, जब मुझे ये लगने लगेगा कि मैं जो कहता हूं उसको सुना नहीं जा रहा है, और अगर मैं सवाल उठाता हूं तो मुझ पर सवाल उल्टा उठाया जाता है कि तुम सवाल क्यों पूछते हो। अगर ये परिस्थिति होगी तो कोई प्रोफेशनल कितने दिन काम करेगा। अब आपसे आखिरी सवाल, आम आदमी क्या करे जब ये डेटा उसने सुना है, सारी बातें सुनी, अब उसके लिए आने वाले 3 महीने का अगर उसको अपना घर चलाना है, अपनी नौकरी को सुरक्षित रखना है, उसको क्या करना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति को कम से कम फ्लोट करने की स्थिति में, सर्वाइव करने की स्थिति में क्या करना चाहिए उसको? देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए तो मजबूरी है कि वो क्या करेगा, वो तो कहीं ना कहीं से जहां जो भी आर्थिक मदद के पैकेज मिल रहे हैं उनकी तरफ देखेगा। लेकिन बाकी सामान्य जो मिडिल क्लास का आदमी है, उसको एक ही सलाह दी जा सकती है कि इस वक्त अपने एक एक पैसे को बहुत सावधानी से रखिए, खर्च कीजिए किफायत के साथ। कैश से बड़ी कोई इस वक्त ताकत नहीं है, और खास तौर पर अभी जो पिछले दिनों शेयर बाजार में उछाल आ गया है,
इस चक्कर में भ्रम में न पड़े कि बाजार में तेजी आ रही है और आप वहां पैसा लगा सकते हैं। बाजार में पैसा लगाने वालों को लंबे समय में फायदा मिलता है, ये बिल्कुल गारंटेड बात है, लेकिन आप इस चक्कर में न लगाएं कि बैंक में इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इस समय बाजार में लगा दो, वहां बेटर रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है कि आपको रिटर्न के चक्कर में यहाँ जैसा गोता खाया है जीडीपी ने, इस तरह का गोता आपके इन्वेस्टमेंट को खाना पड़ जाए, और वहां 50% का भी गोता हो सकता है और ज्यादा का भी। आगे की उम्मीद है, इससे पहुंच जाता है अगले क्वार्टर में जीडीपी में किसी तरीके के सुधार की उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, अगले क्वार्टर में जीडीपी इससे बेहतर होगी, इसमें तो अब कोई शक नहीं है, ये जहां तक है। अब जो बड़ी बड़ी चिंता, बड़ा डर, बड़ा खतरा बचा हुआ है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना का एक दूसरा झटका, तगड़ा झटका आ जाए, क्योंकि अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है और अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, लोग परेशान भी हो रहे हैं, ये बात भी सही कि बहुत से लोग घर बैठ के परेशान हो गए, कब तक बैठे रहे, कैसे जिंदगी तो चलानी पड़ेगी, लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहले जहां था जान है तो जहान है, अब यह है कि साहब कोरोना के साथ जीना सीख लो। लेकिन कोरोना के साथ जीना सीख लो में लोग कितना सीख रहे हैं और कितने अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, ये एक गंभीर सवाल है। और जितनी तेजी से अब चारों तरफ चीजें खुल रही हैं, लोग घर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मेट्रो भी चालू हो जाएगी 7 तारीख से कहा गया है, ट्रेनें खुल सकती हैं, ऐसे में कहीं अगर इन्फेक्शन का एक दूसरा और बड़ा गंभीर झटका आया तो फिर ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सब बेकार हो जाएंगी, और फिर हो सकता है कि इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका, और वो बहुत भयानक झटका हो सकता है। वो कितना होगा और उसके क्या परिणाम होंगे उसकी कल्पना करना भी इस समय डरावना है। बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे आलोक जोशी, सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक, जो बता रहे थे कि जो 23.9% का जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, श्रिंक किया है, गिरावट आई है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। और माफ करेगा, 23.9% है जो श्रिंकेज आई, गिरावट आई है। ऐसे में आपको एक एक पैसा संभाल के खर्च करना पड़ेगा, और आने वाले समय में इंप्रूवमेंट होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, इसलिए अलर्ट रहिए और किसी के झांसे में ना आए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।